हमारी आधी जिंदगी गड्ढे भरण में चली जाए, चाहे वह जिंदगी के हों या फिर रिश्तों के हों। आदमी समझ नहीं पाता कि गड्ढे में जिंदगी चल रही है या फिर जिंदगी गड्ढे पर चल रही है। इस कशमकश में जो सड़क पर घूमन लिखड़ेंगे तो फिर इसे दस जावा हाँ कि जीण के भी लाले पड़ जाएं। पहले तो जिंदगी के गड्ढे राम भरोसे थे, पर इब सड़क के भी गड्ढे राम भरोसे हो रहे हैं। राम राम, स्वागत है आप सबका। मैं सोनल दैया, आप देख रहे सो दबका। कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा उससे पहले हम कुछ तस्वीर आपने दिखा दें। पलवल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपने दिखावांगे, जड़े गड्ढिया की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन तक ज्ञापन भी सौंपा, तो उड़े फरीदाबाद में भी विधायक और सांसदों के नाम पर धन्यवादी बैनर लगा दिए गए। ये देखो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सको कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। बारिश का टाइम चल रहा है, हर बार दावे करे जा हैं प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की उचित व्यवस्था के, लेकिन जब ये गड्ढे सड़क पर दिखाई दे हैं तो लोगों खातर एक बड़ी समस्या खड़ी कर दे हैं। आए दिन वाहन जो हैं वो फंसे हैं, जाम की स्थिति बने हैं, कितने दुर्घटना की खबर मिले है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन है कि जागरण का नाम नहीं लेता। लोगों की जिंदगी पूरे तरीके से बदहाल दिखाई दे है जब वह सड़क पर निकले हैं। तो आज दबका में हमने यो मुद्दा उठाया है, अगर आपके आसपास आपके गली मोहल्ले में भी गड्ढे की समस्या है तो आप फोन करके हमने इस नंबर पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने लग रहे हैं उस पर अपनी बात कह सको हो, क्योंकि यह समस्या को एक जगह की नहीं है, अलग अलग जगह पे जो हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों ने दिखाने लग रहे हैं। हाँ, ये देखो आप लोग पहुंचे हैं ज्ञापन देने खातर प्रशासन तय, बार बार अल्टीमेटम दिया जा है, बार बार ज्ञापन सौंपे जा है, सवाल उड़े आके खड़ा है कि आखिरकार यो समस्या का समाधान कब होगा। हर जगह गड्ढिया की समस्या तो लोग इतने दुखी हैं कि आदसे और जाम लोगों खातर जी का जंजाल बन रहे हैं। हर आदमी प्रशासन से सवाल पूछे है, कुछ सवाल भी हैं इंडिया न्यूज के। लगातार हम हर मुद्दे पर जो लाजिम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठे हैं वह सवाल हम इंडिया न्यूज के जरिए उठावा हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार हर जगह पर मौत के गड्ढियां की अनदेखी क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक जगह की समस्या नहीं है, लगातार हम देखने लग रहे हैं कि हर जगह पर कमोबेश तस्वीर इसे तरीके की सामने आने लग रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार मौत के गड्ढे क्यों अनदेखे करे जाने लग रहे हैं, प्रशासन इस पर चुप क्यों है, अधिकारियों ने कि नहीं दिखते गड्ढियां की गहराई। देखो उसे सड़क पर आम आदमी चल रहे हैं और उसे सड़क पर प्रशासनिक अधिकारी चल रहे हैं। सवाल यो है कि आखिरकार इन गड्ढियां की गहराई के अधिकारी नहीं देख पाते, कद तक आम जनता भरेगी इन गड्ढियां का खामियाजा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन गड्ढियां का खामियाजा आम जनता कद तक भरती रहेगी, कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का हुआ है इस्तेमाल, यो बहुत बड़ा सवाल है। देखो भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो अपना फायदा ठाण खातर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करें हैं और बा घटिया सामग्री कितने कितने आम जनता खातर जी का जंजाल बन जाए। पलवल से मेरे सहयोगी नितिन ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार हम तस्वीरें देखा हाँ, बार बार प्रशासन तक हम बात पहुंचाने की कोशिश करा हाँ, लेकिन बावजूद इसके कितने भी कोई असर जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर देखने नहीं मिलता। इस पलवल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत परेशान कर देने वाली हैं। इस फिलहाल की अपडेट है, किस किस जगह पर गड्ढिया की समस्या है, आप पलवल की अपडेट दो। सोनल, अगर मैं बात करूं पलवल की तो पलवल में भी बिल्कुल जस की तस, अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है और बाकी कहीं ना कहीं कमीशन का भी बोलबाला रहता है, जो ठेकेदार होता है उसका कमीशन, अधिकारियों का कमीशन, और सबसे बड़ी बात है कि घटिया सामग्री कमीशन के बाद भी हटाते हैं अगर हम तो घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस समय मैं मौजूद हूँ पलवल के वार्ड नंबर 10 जो कि पलवल नगर परिषद के अंडर आता है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो वार्ड है कि जहाँ पर यहाँ से जस्ट चंद कदम दूरी पर ही पलवल का लघु सचिवालय है और तमाम यहाँ से बड़े नेता अधिकारी और SDM वगैरह सभी यहीं से निकलते हैं, और इसी रास्ते से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी और गड्ढे हुए पड़े हैं, क्योंकि कई बार अधिकारी भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हैं परंतु जो नीचे का अधिकारी होता है उसके लिए कहीं ना कहीं जो बात अगर हम करें कि सामग्री वाली जी, वो घटिया सामग्री का प्रयोग जब उसमें कहीं बात आती है कि जो प्रयोग किए जाते हैं कि जब उसमें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन होती है तो उनके ना तो सैंपल भरे जाते हैं, अधिकारी और सरकार की सांठगांठ कहीं ना कहीं एक रहती है,
तो उसका खामियाजा आम लोगों को तो भुगतना पड़ता है। आप पीछे का भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बारिश आ जाती है, ये रास्ता पूरा पानी से लबालब हो जाता है, तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 यानी कि फिट तक पानी भर जाता है। और वैसे सरकार बड़े बड़े वायदे करती है कि लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें बना के देंगे और जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दें, और कहीं ना कहीं बीमारी से बचाव सबसे बड़ी बात है, बीमारी से बचाव। जो लोग गांव छोड़कर शहरों में आके रह रहे हैं केवल सुख सुविधाओं को लेकर आते हैं, परंतु अगर हम शहर की बात करें तो शहर में भी नरकीय जीवन देखने को मिलता है। गांव के लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि गांव में बीमारियां हैं, कन्वेंसिंग नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। वही समस्या अब पलवल में भी है, गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं, नालियां साफ नहीं हैं, पानियां भरे पड़े हैं। तो जो पानियां भरे पड़े हैं उनमें मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। नितिन, हम लगातार देख रहे हैं कि हर जगह आते हैं हादसे की जो खबर है वह भी सामने आने लग रही है। अगर हम पलवल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की अपडेट, कुछ आंकड़ा है आपके पास कि पलवल में गड्ढों की वजह से कितने हादसे हुए हैं? देखिए सोनल, अगर मैं बात करूं कि पलवल में आंकड़ों की, अभी ऐसी कोई आधिकारिक आंकड़े तो नहीं है, परंतु हाँ अगर हम जैसे नॉर्मली डेली जो क्राइम आता है उस क्राइम के आधार पर अगर हम बात करें तो 1 या 2 एक्सीडेंट प्रतिदिन इसी क्षेत्र से आते हैं कि गड्ढे में बाइक फिसलने से या फिर गड्ढे में गिर जाने से, सवारियाँ गिर जाने से, वाहन खराब हो जाने के तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं। परंतु अगर हम बात करें, सबसे बड़ी समस्या है कि पलवल में जो पहले तो सड़कें बनाई नहीं जाती हैं, और जब बना दी जाती हैं तो उनके बाद अमृत योजना के तहत कभी सप्लाई का काम शुरू कर दिया जाता है, कभी सीवर लाइन का काम शुरू कर दिया जाता है, कभी नाली बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जो सीवर से काम होना चाहिए। बिल्कुल नितिन, समस्या बहुत बड़ी है। और देखो, पलवल की अपडेट हमने अपने दर्शकों से दी और सवाल कितने न कितने यो बरकरार है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्यों करोगा। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक भी मेरे गैल फोन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो लगातार आज से उन लग रहे हैं, लगातार कुछ तस्वीरें आपके जरिए भी, चैनल के जरिए भी लगातार सामने आने लग रही हैं, जितने लोग परेशान हैं। ये फरीदाबाद की के अपडेट है, किस किस जगह पर के स्थिति बन रही है गड्ढियां के कारण? देखिए, अगर फरीदाबाद की हम बात करें सोनल, तो पिछले क्योंकि कोरोना काल के बीच में जिस तरह से कोई किसी भी सड़क का दोबारा से रिपेयरिंग नहीं हुई थी, कोई सड़क नई बनाई गई थी, तो पहले से ही सड़कें बेहद खराब हो चुकी थी। और अब जिस बरसात की वजह से बिल्कुल सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं जगह जगह फरीदाबाद में। अगर बात करें तो देखिए, NHAI की बात करें, चाहे उसके बाद में PWD हो, चाहे नगर निगम, चाहे मार्केटिंग रिपोर्ट के द्वारा जो सड़कें गाँव रूरल एरिया में बनाई जाती हैं, हर जगह सड़कों का बुरा हाल है, तमाम जगह गड्ढे बन चुके हैं और कई हादसे इन गड्ढों की वजह से लगातार होते रहते हैं। और इसके साथ साथ में गड्ढों के साथ साथ अगर बात करें तो स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी है, क्योंकि जल भराव भी एक बड़ी वजह है। और सबसे बड़ा जो सड़कों का जो नुकसान हुआ है, जो सड़कें टूटी हैं, वो बारिश में इसलिए क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। सड़कें बनाते वक्त जो इंजीनियरिंग की जाती है, चाहे नगर निगम की एजेंसी द्वारा, चाहे PWD, उनकी तरफ से ये नहीं देखा जाता है कि जल निकासी का प्रबंध किस तरह से किया जाए। क्योंकि उचित जल प्रबंध निकासी नहीं हो रही है, तो इसीलिए सड़कें भी टूट रही हैं। क्योंकि अगर खास तौर से अगर बात करें तो जो तारकोल की सड़कें हैं, तारकोल की सड़कें बरसात में ज्यादा टूट रही हैं, और इसके पीछे यही वजह है कि अभी जल निकासी नहीं है। नेशनल हाईवे की अगर NH-19 की भी बात करें, क्योंकि NHAI द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तमाम देश के लोग इस एजेंसी पे इसलिए भरोसा करते हैं कि बेहतर सड़कें, ये केवल सड़कों का निर्माण नहीं करते, बल्कि इनका जो टैगलाइन है वो ये है कि हम सड़कों का निर्माण ही नहीं करते, देश का निर्माण करते। तो ऐसे में अगर बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस तमाम जानकारी खातर। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयमल। जयमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, राम राम। के सवाल है आपका? सवाल मैडम ये है जी, हमारा पुंडरी ब्लॉक में। हेलो जी, जयमल जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। डांस से आओ तो की सड़क है मैडम, किस जगह की बात कर रहे हो आप? पुंडरी ब्लॉक है जी, डांस से आओ तक की सड़क है मैडम, वो है छोटू माजरा जी। तो मार्केट के अंदर जितने बड़े गड्ढे हुए हैं, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं इस पे। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गैल जुड़े हो। तो देखो, एक जगह की स्थिति नहीं है, लगातार दर्शक हमारे गैल जुड़ रहे हैं, और एक इस समस्या है कितने कितने कि गड्ढे जो हैं वो मौत के गड्ढे हैं। हर दिन हादसे हुए हैं, हर दिन लोग गुहार लेकर प्रशासन तक पहुंचे हैं, अपनी बात कमे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन गड्ढे का समाधान नहीं होकर दे रहा है। जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य यो ये है कि जो गड्ढा की समस्या थे लोग दो चार उन लाग रहे हैं, उसने वह दुरुस्त करी जा। कितने कितने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आम जनता की तरह सड़क पर गाड़ी लेकर निकले हैं, उनने के ये गड्ढे नहीं दिखते, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमने लगातार उठाया भी है, और ये लाजिम सवाल है जो हर आदमी पूछना भी चाहे है उन हुक्मराना थे जिनकी जिम्मेदारी बने हैं। तो आज यो कार्यक्रम हमारा खास तौर पे जो गड्ढे की समस्या है उस पर बेस्ड है। अगर आपके इलाके में समस्या बढ़ रही है तो आप हमारे तक अपनी बात पहुंचाओ। अजय भाटिया एक दर्शक हमारे गल जुड़ गए हैं। अजय भाटिया जी, राम राम, अपनी बात कहो। मैडम, मैं एनआईटी फिलावास से बोल रहा हूँ। हमारे रोड पे 2016 से रेगुलर पानी जमा रहता है, बारिश नहीं हुई तो भी पानी जमा रहता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 2016 से हर जगह सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट दे चुके हैं, हर जगह कंप्लेंट दे चुके हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम ऐसी गंदगी में रह रहे हैं, कुछ कहने के हद नहीं। किस जगह की बात कर रहे हो आप अजय जी? मैं एनआईटी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने से जी, ओल्ड रेलवे स्टेशन के सामने बिल्कुल जी मेन रोड है, जहाँ से अच्छे अच्छे विधायक सीमा त्रिखा जी भी और पार्षद जी, हमारे सतीश पार्षद जी भी निकलते हैं, और कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे गल जुड़े हो। तो ये आम जनता की समस्या है। अब हर आदमी त्रस्त है सिस्टम से, उनका कहना यू है कि उसे सड़क तय विधायक लिख रहे हैं, उसे सड़क तय प्रशासनिक अधिकारी लिख रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी की समस्या है वह कितने कितने नज़रअंदाज कर दी जाए। दबका के जरिए आप अपनी आवाज़ उठाओ, हम लगातार ऐसे मुद्दे उठावा जो सीधे सीधे आप तक जुड़ रहे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं और जिनका ताल्लुक सीधे सीधे आप तक है। शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने खातर मारा यो खास कार्यक्रम है, और कोशिश मारी या ये है कि जो भी हुक्मरान, जो भी प्रशासनिक अधिकारी मारे इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, वो कितने कितने आम जनता की समस्या ने समझे, क्योंकि इन गड्ढे के कारण आए दिन हादसे हुए हैं, आए दिन जाम की स्थिति बने हैं। बारिश, जरा सी बारिश, क्योंकि बारिश का पूरा सीजन निकल गया, हमने हर जगह इतना तस्वीर देखी, जल भराव की समस्या थे लोग दो चार हुए, और वो जो जल भराव की समस्या है वह गड्ढा पे कितना बड़ा प्रभाव डाला है आम आदमी इसने साफ तौर पर समझ सके है। बड़े से बड़े वाहन फंसे हुए नजर आए, और कितने कितने अगर किसी की जान का नुकसान हुआ है, अगर किसी के घर का दिया बुझे है, अगर किसी के प्रियजन का नुकसान हुआ है, तो उसका खामियाजा क्यों करोगा, यो एक बड़ा सवाल। करनाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, यहाँ करनाल से बात कर रहा हूँ। मैं करनाल में एक नीलूखेड़ी ब्लॉक है, यहाँ के विधायक मामू राम गोंदर जी हैं, जो कि यहाँ किसान बस्ती वाला रोड है, बिल्कुल खराब हो रखा है मैडम। यहाँ पर बहुत ही गंदगी है, ना कोई साफ सफाई, पानी भर जाता है। आज भी बारिश हुई, कुछ कोई कार्यवाही नहीं हो रही जी। शुक्रिया, आप हमारे गैल जुड़े हो, अपनी बात आपने उठाई है। करनाल के नीलोखेड़ी में भी समस्या यह बन रही है, लोग परेशान हैं, बार बार प्रशासन तक गुहार लगा चुके, लेकिन बावजूद इसके लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मारा यो कार्यक्रम एक आईना है, राखी, कोशिश मारी या इदर है कितने न कितने ये सवाल उठा पावा। जुलाना से एक दर्शक भी हमारे गैल जुड़ गए हैं। जगविंदर, जगविंदर जी, राम राम। मैम, हम एक बहुत बड़ी समस्या है, जुलाना से लेके गुहाना एक रोड हमारा, उस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, और बार बार हम इसकी कंप्लेंट भी करवा चुके हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही इसकी। किस रूट की बात कर रहे हो आप, कौन से रोड की बात कर रहे हो? जुलाना से गुहाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जुलाना से गुहाना का जो एरिया है, जो रोड है, उस पर भी निरे गड्ढे हैं। जो दर्शक हैं वो हमारे गैल जुड़े हैं, अपने अपने इलाके की समस्या हमारे तक बतावे हैं। कोशिश हमारी यह है कि जिस जिस जगह पर ये गड्ढे हैं, ये बरेजा, जो खामियाजा आम जनता भुगतन लाग रही है, जो हादसे होने लाग रहे हैं, उन पर कितने कितने लगाम लाग गए, और कोशिश हमारी यह है कि हम एक आईना दिखा सका कि किस किस जगह पर क्या क्या समस्या बन रही है। जींद से राजेंद्र एक दर्शक हमारे गैल जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, राम राम। नमस्कार जी। जी, मैं ये बोल रहा था जी, जैसे ये अपनी सरकार ने बताया भी राइट टू सर्विस एक्ट लागू हो गया। राजेंद्र जी, गड्ढे की समस्या अगर आपके इलाके में है तो आप उस पर अपनी बात कहो।
हाँ तो मैं बोला हूँ जी, मेरे को 9 फरवरी को ये आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, अभी तक उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। राजेंद्र जी आपका मुद्दा अलग है, हम इस मुद्दे पे भी दबका का कार्यक्रम करांगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे गल जुड़े हो। अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन देखो सवाल वो ये बरकरार है कि आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है, और कोशिश प्रशासन की जो होनी चाहिए, जिम्मेदारी जो होनी चाहिए। बिजेंद्र एक दर्शक हमारे गल जुड़ गए हैं। बिजेंद्र जी राम राम। राम जी। जी जी, बड़ौदा से नगूरा जो सड़क है वो पूरी टूटी पड़ी है, और ये जो हल्का है ये डिप्टी सीएम का है जी, ठीक है, और एक साल से इसमें कोई पैचअप भी नहीं लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे घर जुड़े हो आप। डिप्टी सीएम का हल्का है, हमारी कोशिश यह है कि अगर डिप्टी सीएम हमारे कार्यक्रम में अगर देख रहे हो तो वो जरूर सुने आम जनता की आवाज, क्योंकि किते न किते कुछ ना कुछ खामी रह जाए। सिस्टम अपना काम करे है, लेकिन कोशिश है कि जो खामी रहेगी, जो दिक्कत रहेगी, वह हम उजागर कर सका। हांसी से विनोद कुमार एक दर्शक हमारे घर जुड़ गए हैं। विनोद जी राम राम। राम राम जी। विनोद जी। विनोद जी अपनी बात कहो। हमारा आसी का पट्टी गेट है जी। ठीक है, पट्टी गेट है, पट्टी गेट से लेकर लिंक रोड तक इतने खड्डे हैं, हर शहर के चारों पानी इतने खड्डे हैं कि यहाँ का एमएलए साहब आंख मीच के सूता है। चलो बहुत शुक्रिया आपका, हमारे गल जुड़े हो आप। बस्सी रोड से लेके लिंक रोड तक यह समस्या गड्ढे की बन रही है। अगर हांसी के उपमरान हमने देख रहे हैं तो वो जरूर इस पर अमल करें, जरूर आम जनता की आवाज सुने। हिसार से नरेंद्र एक दर्शक हमारे गल जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी राम राम। मैडम जी। जी बहुत बढ़िया मुद्दा था रखे है। गड्ढी गांव पे और महंदा रोड पे एक ओवर ब्रिज बन ला रहा नीचे को अंडर पास जी, और वो को इतना गंद है जी, लगभग 3 साल तक परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पानी भरते है, आनिया जानिया ना बहुत दिक्कत हो है। आसियान में कोई रास्ता कोई नहीं, गांव वाले खातर महंद वाले खातर गांव के लोगों ने गणी परेशानी हो रही है। गणी के जी मतलब आप नु सोचो, बालक तो डूब भी जाए जी, इतना करड़ा काम हो रहा है। ठीक है, करड़ा काम हो रहा है, हमारी कोशिश यह है कि जित करड़ा काम हो रहा है मोड़ा दबका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे गल जुड़े हो। भिवानी तो सुमित एक दर्शक हमारे गल जुड़ गए हैं। सुमित जी राम राम अपनी बात कहो। राम राम। तो जो प्रोग्राम शुरू करया चले आपने तो सब तो बढ़िया प्रोग्राम है, अपनी बोली का अपना प्रोग्राम है, और जब आप बोलो इसमें तो बढ़िया तड़का लगता है। बड़ी बात यहाँ से बहनी से बोलू, बहनी का इतना ना छूट रहा है कि उन्हें ना तो सड़का के आने से सड़क भी इतनी खराब माटी कर हो रही है, सड़क पर इतने बड़े बड़े खड्डे खुद रहे हैं, ना तो बेरा पता है कि सड़क खड्डा में से खड्डा में रोड से बड़ा बुरा हाल हो रहा है, ना कोई संभालनिया ना कोई जानिया। बहनी आसी रोड की बात करा, बहनी में जितने भी असल में तो कोई बाईपास भी कोनी, तो बाईपास रोड हो तो कम से कम आदमी किसी से बाहर चला जा, शहर में बारिश आ जाए थोड़ी सी बारिश आंदे ऐसा बुरा हाल हो जाए, कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, कोई समाधान करनी है कोनी। सारे अफसरान ने भी कह ली, ना अफसर सुननी है ना कोई और सुननी है। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे गल जुड़े हो। तो हर जगह तय लोग परेशान हैं। बिमाणी की बात कर रहे थे सुमित जी के, समझ में नहीं आता कि गड्ढे यहाँ पर सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, और हर जगह हालत यह है। हिसार से सोनू एक दर्शक हमारे गल जुड़ गए हैं। सोनू जी राम राम। राम राम जी। राम राम जी। मैडम जी रायपुर गांव तो बोलो, इतनी बुरी हालत है, इतनी बार कर रोड है जी 75 फुट का। हाँ रोड की मात्र लंबाई मतलब चौड़ाई रह रही जी जोर मार के 10-12 फुट, पानी इतना भर रहा जी, पिछले 4-5 साल से इतना पानी भर रहा, बुरी हालत हो रही, इतने राहगीर पड़ा जी जानती भी जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हिसार के रोड की हालत मारे थे बताई, और
कोशिश मारी ये है कि देखो जिस जिस जगह पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी बने है, मारी कोशिश यह है कि हम वो मुद्दा उजागर कर सका, हम वो सड़क जो गड्ढा थे भरी पड़ी है वो हमारे दर्शकों ने भी दिखा सका और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक भी दिखा सका। और कोशिश यह है कि उस समस्या का समाधान हो, चूंकि आम जनता परेशान है, बारिश का टाइम है, हादसे बढ़ने लग रहे हैं, हर जगह जाम की हालत है, आप देख सको हो इतना कीचड़ है, लोग चलते चलते पड़े हैं लेकिन किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके लोग हादसे में चले जाएं, जिनके घर परिवार का कोई प्रियजन चला जाए, वो जिंदगी भर उबर नहीं पाते। तो कोशिश यह है हमारी कि कितने न कितने जो प्रशासन जो चूक कर रहा है उस पर हम अपनी बात कह सका। तो पूरे हरियाणा तक हमारे गैल फोन पर लोग जुड़े हैं, कमोबेश हालत एक जैसी है, कितने न कितने कुछ ना कुछ कमी रह जाए। कोशिश मारी यह है कि प्रशासन तक हम वो कमी पहुंचा पावा और उन पर काम हो सके। तो गड्ढा की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं और हर जगह हालत एक जैसी है। तो भाई मारी गुजारिश यह है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हमने देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में देख रहे हैं, जनता की आवाज है हमारा यो कार्यक्रम, हमारी कोशिश यह है कि जनता की आवाज हुक्मराना तक पहुंचे और उस पर असर हो। आज दबका में इतना है, राम राम।